तो आज डिस्कस करेंगे हम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड। डिलीट और ट्रंकेट कमांड में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले जब हम DBMS की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कल बताया था DDL, DML, DQL, DCL, DTL इन सारी कमांड्स के बारे में मैंने बताया था। आज हम डिलीट और ट्रंकेट के बारे में देख रहे हैं। डिलीट और ट्रंकेट के अंदर मेनली डिलीट एक कमांड होता है एंड इसको डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट पर्टिकुलर रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। कोई भी डेटाबेस की टेबल होती है उसके अंदर डिलीट जो कमांड होती है उसको सिर्फ और सिर्फ हम किस लिए यूज में लेते हैं, डेटाबेस का रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए यूज में लेते हैं। और जो ट्रंकेट कमांड होती है उसको हम क्यों यूज में लेते हैं, ट्रंकेट कमांड इज यूज टू डिलीट द कंप्लीट डेटा फ्रॉम द टेबल। डिलीट कमांड सिर्फ और सिर्फ डिलीट करते हैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस टेबल, फ्रॉम ए टेबल। और ट्रंकेट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डिलीट करते हैं उसका कंप्लीट डेटा फ्रॉम द टेबल। सपोज एक डेटाबेस की टेबल है उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं तो उन कॉलम्स में हमें डिलीट करना है तो हम वन बाई वन क्या करते हैं, कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ट्रंकेट चलाएंगे तो ट्रंकेट कमांड के अंदर क्या होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड एक साथ में उसका क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। दूसरी चीज़ इसका डिफरेंस यही होता है, डिलीट कमांड इज यूज टू रिमूव रो फ्रॉम द टेबल एंड वेयर क्लाउज कैन बी यूज फॉर कंडीशनल सेट ऑफ पैरामीटर कमिट एंड रोल बैक कैन बी परफॉर्म्ड आफ्टर डिलीट स्टेटमेंट। और दूसरा ट्रंकेट के अंदर होता है, ट्रंकेट रिमूव ऑल रो फ्रॉम द टेबल, ट्रंकेट ऑपरेशन कैन नॉट बी रोल बैक। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं व्हाट आर द लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है DBMS के अंदर, जब पर्टिकुलर हम किसी भी एक मेन डिफरेंस होता है, जो मेन डिफरेंस होता है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में, द ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ग्लोबली इन द इंटायर द प्रोग्राम व्हेन यूवर, लोकल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द फंक्शन और ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड। जब हम लोकल और ग्लोबल दोनों वेरिएबल्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन ब्लॉक, व्हाट एवर द ग्लोबल वेरिएबल आर द टाइप ऑफ वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड एवरी फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। देर आर मेनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग बोथ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। दूसरे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वेरिएबल आर क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरी, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, विच इज द मेन टॉपिक ऑफ द आवर डिस्कशन। हियर द मेन डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इज दैट ए लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन ब्लॉक, इन कॉन्ट्रेस्ट द ग्लोबल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन इन ए प्रोग्राम। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल जब हम पर्टिकुलर यूज में लेते हैं तो ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम यूज में लिए जा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लोकल वेरिएबल आज द वेरिएबल्स विच कैन बी यूज टू एग्जिस्ट इनसाइड द फंक्शन, दे आर नॉट नो टू द अदर फंक्शंस एंड दीज वेरिएबल कैन नॉट बी रेफर्ड और यूज्ड। वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड व्हेन एवर एंड व्हाट एवर दैट फंक्शन इज कॉल्ड। ग्लोबल वेरिएबल आर द वेरिएबल विच कैन बी यूज और एग्जिस्ट थ्रू आउट द प्रोग्राम, सेम वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन ग्लोबल कैन नॉट बी यूज इन फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल कैन नॉट बी क्रिएटेड वाट एवर दैट द फंक्शन इज कॉल्ड। दूसरा होता है वाट इज ए कंस्टेंट, कंस्टेंट क्या होता है। जब हम पर्टिकुलर किसी भी
कंस्टेंट की बात करते हैं तो क्या होता है कंस्टेंट? कंस्टेंट कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई द लिमिट ऑन द डेटा टाइप ऑफ द टेबल. कंस्टेंट कैन बी स्पेसिफाइड वाइल द क्रिएटिंग और अल्टरिंग द टेबल स्टेटमेंट्स. सैम्पल ऑफ द कंस्टेंट्स आर, एक होता है नॉट नल, चेक, डिफॉल्ट, यूनिक क्यू, प्राइमरी की एंड फॉरेन की. नेक्स्ट, व्हाट इज द डेटा इंटीग्रिटी? डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? जब हम बात करते हैं डेटा इंटीग्रिटी की, तो DBMS के अंदर डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? जब हम पर्टिकुलर डेटा इंटीग्रिटी के अंदर एक ओवरऑल कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी होती है, जो कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा को एंटायर लाइफ साइकिल के साथ में जोड़ के रखने का काम करती हैं. तो इसको क्या बोलते हैं? डेटा इंटीग्रिटी इज द ओवरऑल कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा ओवर इट्स एंटायर लाइफ साइकिल. व्हेन डेटा हैज इंटीग्रिटी मैकेनिज्म हैव बीन पुट इन प्लेस टू एंश्योर द डेटा इन यूज, डेटा इन ट्रांजिट एंड डेटा एट रेस्ट कैन नॉट बी चेंज बाई द अनऑथराइज पर्सन टू द प्रोग्राम्स. डेटा इंटीग्रिटी एक और भी होती है, इसकी डेफिनेशन, डेटा इंटीग्रिटी इज द एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड क्वालिटी ऑफ द डेटा एज इट्स द मेंटेन ओवर टाइम एंड अक्रॉस द फॉर्मेट. प्रिवेंटिंग द इंटीग्रिटी ऑफ योर कंपनी डेटा इज द कंस्टेंट प्रोसेस. एक होता है व्हाट आर द टाइप ऑफ डेटा इंटीग्रिटी इन DBMS, कितने टाइप की होती हैं? तो ये होती है 4 टाइप्स का. कौन कौन सा? एक होता है एंटिटी इंटीग्रिटी, एक होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एक होता है डोमेन इंटीग्रिटी, एक होता है यूजर डिफाइंड एंटिटी इंटीग्रिटी. व्हाट इज इंटीग्रिटी सिस्टम इन DBMS? इंटीग्रिटी सिस्टम, एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इंटीग्रिटी सिस्टम क्या होता है DBMS में? इन DBMS मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स आर प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल दैट आर अप्लाइड ऑन द टेबल फील्ड और रिलेशन टू एंश्योर दैट द ओवरऑल वैलिडिटी, इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस टेबल इज मेंटेन्ड. व्हाट इज डेटा इंटीग्रिटी विथ एग्जाम्पल? क्या होता है डेटा इंटीग्रिटी? डेटा इंटीग्रिटी इज द इम्पोज्ड इन ए डेटाबेस व्हेन इट इज डिजाइंड एंड इज ऑथराइजेशन थ्रू एन ऑनगोइंग यूज ऑफ एरर चेकिंग एंड वैलिडेशन रूटाइंस. एज ए सिंपल एग्जाम्पल टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, न्यूमेरिक कॉलम सेल शुड नॉट एक्सेप्ट अल्फाबेट डेटा. 5 प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं डेटा इंटीग्रिटी के? तो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, इट स्टैंड्स फॉर द एट्रीब्यूट लीगेबल, कंप्लीटनेस, ओरिजिनल और एक्यूरेट. कितने टाइप की होती है इंटीग्रिटी? इन इंटीग्रिटी होती है एक एंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और एक डोमेन इंटीग्रिटी होता है. तो इसका बेनिफिट क्या होता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स? तो बेनिफिट होता है एंश्योर द रिकवरेबिलिटी एंड सर्चेबिलिटी, ट्रेकेबिलिटी और ओरिजिन एंड कनेक्टिविटीज. दीज ऑल आर इंटीग्रिटी एग्जाम्पल्स. अब लास्ट है, व्हाट इज ऑटो इंक्रीमेंट? ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है DBMS के अंदर? जब हम बात करते हैं किसी भी ऑटो इंक्रीमेंट्स की, तो ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड अलाउ द यूजर टू क्रिएट ए यूनिक नंबर टू बी जनरेटेड व्हेन ए न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इनटू द टेबल. ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड कैन बी यूज्ड इन ओरेकल एंड आइडेंटिटी कीवर्ड कैन बी यूज्ड इन SQL सर्वर. मोस्टली दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड व्हेन यूवर द प्राइमरी की इज यूज्ड. ये ऑटो इंक्रीमेंट जब हम नॉर्मली ऑटो इंक्रीमेंट की बात करते हैं, तो ऑटो इंक्रीमेंट इन SQL इज ए फीचर्स दैट इज अप्लाइड टू ए फील्ड सो दैट इट कैन ऑटोमेटिकली जनरेट एंड प्रोवाइड ए यूनिक वैल्यू टू एवरी रिकॉर्ड दैट यू इंटायर इंटर इनटू एन SQL
टेबल। दिस फील्ड इज ऑफन यूज्ड एज द प्राइमरी की कॉलम वेयर यू नीड टू प्रोवाइड ए यूनिक वैल्यू फॉर एवरी रिकॉर्ड यू एडेड। दूसरा चीज, द ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड अलाउ द यूजर टू क्रिएट ए यूनिक नंबर टू बी जनरेटेड व्हेन ए न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इनटू ए टेबल। ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड कैन बी यूज्ड इन ओरेकल एंड आइडेंटिटी कैन बी यूज्ड इन एसक्यूएल सर्वर। मोस्टली दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड व्हेन एवर प्राइमरी की इज यूज्ड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर। तो क्लस्टर और नॉन क्लस्टर में क्या डिफरेंस होता है? क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है? ए क्लस्टर इंडेक्स इज यूज टू डिफाइन द ऑर्डर और टू सॉर्ट द टेबल और अरेंज द डेटा बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर जस्ट लाइक ए डिक्शनरी। ए नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स कलेक्ट्स द डेटा एट वन प्लेस एंड रिकॉर्ड एट अनदर प्लेस। इट इज फास्टर देन ए नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। इट इज स्लोअर देन द क्लस्टर्ड इंडेक्स। व्हाट इज द क्लस्टर्ड इंडेक्स? क्या होता है क्लस्टर्ड इंडेक्स? क्लस्टर्ड इंडेक्स आर द इंडेक्स हुज ऑर्डर ऑफ द रो इन द डेटा पेज करस्पोंडेंस टू द ऑर्डर ऑफ द रो इन द इंडेक्स पेज। दिस ऑर्डर इज वाई ओनली वन क्लस्टर इंडेक्स कैन एग्जिस्ट इन एनी टेबल वट यूवर मेनी नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स कैन एग्जिस्ट इन द टेबल। एक होता व्हाट डज नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स मीन। ए नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स इज एन इंडेक्स स्ट्रक्चर सेपरेट फ्रॉम द डेटा स्टोर्ड इन ए टेबल दैट रिकॉर्ड्स वन और मोर सेलेक्टेड कॉलम्स। व्हाट इज क्लस्टर्ड इंडेक्स एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स परफॉर्मेंस? द क्लस्टर्ड इंडेक्स डज नॉट टेक एज मच स्पेस एज द नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स डज बिकॉज द नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स आर स्टोर्ड इन ए सेपरेट स्पेस ऑन द डिस्क। क्लस्टर्ड इंडेक्स आर यूजफुल इफ यू आर परफॉर्मिंग ए लार्ज नंबर ऑफ रीड्स बट फॉर एवरी इंसर्ट एंड डिलीट नीड टू बी सफर्ड एंड रीऑर्डर्ड। थ्री टाइप ऑफ क्लस्टर्ड। एक होता है सेंट्रोइड बेस्ड क्लस्टरिंग, एक होता है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्लस्टरिंग, एक होता है हायरार्किकल बेस्ड क्लस्टरिंग। इसके अंदर क्या होता है? क्लस्टर्ड इंडेक्स इज यूज टू यूज फॉर इजी रिट्रीवल ऑफ द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस बाय अल्टरिंग द वे दैट द रिकॉर्ड आर स्टोर्ड। डेटाबेस सोर्स आउट रो बाई द कॉलम विच इज सेट टू बी ए क्लस्टर्ड इंडेक्स। ए नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स डज नॉट अल्टर द वे इट वॉज स्टोर्ड बट क्रिएट्स ए कम्प्लीट सेपरेट ऑब्जेक्ट विद इन द टेबल। इट पॉइंट बैक टू द ओरिजिनल टेबल रो आफ्टर सर्चिंग। एक होता है वाट इज डेटा वेयर हाउस। आपसे पूछ सकते हैं डेटा वेयर हाउस क्या होता है? एक तरीके से डेटा वेयर हाउस नाम से पता चलता है, जब पर्टिकुलर किसी भी डेटा को हम क्या करते हैं स्टोर करके रखने का काम करते हैं। ए डेटा वेयर हाउस इज ए टाइप ऑफ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज डिजाइंड टू इनेबल एंड सपोर्ट बिजनेस इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं BI एक्टिविटी एंड स्पेशली एनीथिंग। डेटा वेयर हाउस आर स्लोली इंडेडेड टू परफॉर्म क्यूरी एंड एनालिसिस एंड ऑफन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। व्हाट इज डेटा वेयर हाउस विथ एग्जाम्पल? क्या होता है डेटाबेस विथ एग्जाम्पल? डेटा वेयर हाउस इंटीग्रेट्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट्स फ्रॉम द वेरियस सोर्स इन टू वन कंप्रेहेंसिव डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल ए डेटा वेयर हाउस माइट कंबाइन द कस्टमर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इट्स द मेलिंग लिस्ट वेबसाइट एंड कमेंट्स कार्ड। एक चीज और होता है, दो तरीके के वेयर हाउस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देर आर थ्री
थ्री मेन टाइप ऑफ डेटा वेयर हाउस आर इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, ऑपरेशनल डेटा स्टोर एंड डेटा मार्ट्स। ये सारे के सारे डेटा वेयर हाउस होते हैं। पीपीटी के अंदर देखते हैं हम, डेटा वेयर हाउस इज ए सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ द डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। दोज डेटा आर कंसोलिडेट ट्रांसफॉर्म्ड एंड मेड अवेलेबल फॉर द माइनिंग एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग। वेयर हाउस डेटा हैव ए सबसेट ऑफ डेटा कॉल्ड डेटा मार्ट्स। वाट इज सेल्फ ज्वाइन? सेल्फ ज्वाइन क्या होता है डेटा डीबीएमएस के अंदर? जब हम किसी भी ज्वाइन की बात करते हैं, तो मैंने कल आपको बताया था लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन इन सारी चीज़ों के अंदर। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है उसके बारे में, ए सेल्फ ज्वाइन इज ए ज्वाइन दैट कैन बी यूज टू ज्वाइन ए टेबल विथ इटसेल्फ, हेंस इट इज ए यूनरी रिलेशन। इन ए सेल्फ ज्वाइन ईच रो ऑफ द टेबल इज ज्वाइन विथ and all other rows of the same table. Thus, a self join is mainly used to combine and compare the row of the same table in the database. Self join का syntax क्या होता है? इसके अंदर particular किसी भी identity को use में लिया जाता है और इसको self join कहते क्यों हैं? What are also called self join? A self join, also known as an inner join, is a structured query language statement where a query table is joined to itself. The self join statement is necessary when two set of data within the same table are compared. What type of join is self join? Self join is the regular join, but the table is joined with itself. Questions में self join is said to be query used to compare to itself. This is used to compare values in a column with other value in the same column in the same table. Allies can be used for the same table comparisons. What is cross join? क्रॉस ज्वाइन क्या होता है? क्रॉस ज्वाइन के अंदर क्या करते हैं हम? व्हाट इज अ क्रॉस ज्वाइन इन एसक्यूएल? इन एसक्यूएल क्रॉस ज्वाइन आर यूज्ड टू कंबाइन ईच रो ऑफ वन टेबल विथ ईच रो ऑफ अनदर टेबल एंड रिटर्न द सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ऑफ रो फ्रॉम द टेबल दैट आर ज्वाइन एंड व्हाट इज क्रॉस ज्वाइन विथ एग्जांपल? वही सारा का सारा पर्टिकुलर प्रोसेस होता क्रॉस ज्वाइन नॉन आल्सो। किस तरीके से हम इसको यूज में लेते हैं, तो क्रॉस ज्वाइन इज यूज टू जनरेट ए पेयर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ईच रो ऑफ द फर्स्ट टेबल with each row of the second table. This join type is also known as the createness join. हम PPT से देखते हैं, PPT के अंदर क्या है? What is the cross join? Cross join defines a certain product, whatever number of row in the first table multiplied by the number of row in the second table. If suppose where clause is used in cross join, then the query will work like an inner join. तो what is user defined function? User defined function क्या होता है? जिसको हम user के द्वारा already defined function SQL के अंदर होता है, लेट्स यू क्रिएट ए फंक्शन बाई यूजिंग ए SQL एक्सप्रेशन और जावा स्क्रिप्ट कोड। ए यूजर डिफाइंड फंक्शन एक्सेप्ट कॉलम ऑफ इनपुट, परफॉर्म्स एक्शन ऑन द इनपुट एंड रिटर्न द रिजल्ट ऑफ दोज एक्शन एज ए वैल्यू। यू कैन डिफाइन UDF एज आइदर प्रजेंट और टेम्परेरी। वाट आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस?
एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो फंक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, डिफाइंड फंक्शन, सपोज यू नीड टू क्रिएट ए सर्कल एंड कलर इट्स डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस एंड कलर, एक होता है। कौन कौन सा? नेम ऑफ द फंक्शन इज एड नंबर, रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन इज इंट, टू आर्ग्यूमेंट ऑफ द टाइप इन इंट आर पास्ड टू द फंक्शंस। इसके अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन की जो मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन आर द फंक्शन रिटर्न टू यूज द लॉजिक व्हेन यू आर रिक्वायर्ड, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट द सेम लॉजिक सेवरल टाइम इंसर्टेड, फंक्शन कैन बी कॉल्ड और एग्जीक्यूटेड व्हेन यू आर नीडेड। व्हाट आर ऑल टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस? कौन कौन से यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट होता है, देर आर थ्री टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। एक होता है स्केलर फंक्शन, एक होता है इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन, एक होता है मल्टी स्टेटमेंट वैल्यूड फंक्शन, एक होता है स्केलर रिटर्न यूनिट वेरिएंट डिफाइंड एज रिटर्न क्लॉज, अदर टू टाइप रिटर्न टेबल एज ए रिटर्न। एक होता है व्हाट इज कलेक्शन, कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ कैरेक्टर डज डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड कंपेयर्ड, दिस कैन बी यूज टू कंपेयर ए एंड अदर लैंग्वेज कैरेक्टर एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द कैरेक्टर, ASCII वैल्यू कैन बी यूज टू कंपेयर दीज कैरेक्टर डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन सेंसिटिव? कलेक्शन सेंसिटिव के अंदर अगर आपको ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता है, अगर आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो उसका आंसर किस तरीके से देना है, इसके आंसर को डिफाइन करने के लिए हमें पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप्स में चलना पड़ेगा। द डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन सेंसिटिव, एक होता है केस सेंसिटिव, एक होता है एसेंट सेंसिटिव, एक होता है कैन सेंसिटिव, एक विड्थ सेंसिटिव। तो केस सेंसिटिव ए एंड ए एंड बी एंड ए, ये केस सेंसिटिव है, और एसेंट सेंसिटिव जो हम बोल रहे हैं, और केन सेंसिटिव जैपनी केन कैरेक्टर्स को यूज में, विड्थ सेंसिटिव के अंदर सिंगल बाइट कैरेक्टर एंड डबल बाइट कैरेक्टर्स को हम यूज में लेते हैं। अब आपसे पूछ ले, व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टोर प्रोसीजर? तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जब स्टोर प्रोसीजर का हम यूज में लेते हैं तो ये कौन सा होता है? जब हम स्टोर प्रोसीजर को यूज में लेते हैं तो एडवांटेज हमारे क्या होते हैं स्टोर प्रोसीजर के अंदर, टू हेल्प यू बिल्ड द पावरफुल डेटा बेस एप्लीकेशन, स्टोर प्रोसीजर प्रोवाइड द सेवरल एडवांटेज इंक्लूडिंग बेटर परफॉर्मेंस, हाइगर प्रोडक्टिविटी, इजी टू यूज, इंक्रीज स्केलेबिलिटी। एक होता है एडिशनेबिलिटी, इसके अंदर क्या होता है, स्टोर प्रोसीजर इनेबल यू टू टेक एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटिंग रिसोर्स ऑफ द सर्वर। डिसएडवांटेज क्या होता है इसके अंदर, द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ ए स्टोर प्रोसीजर इज दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली इन द डेटाबेस एंड यूटिलाइज मोर मेमोरी इन द डेटाबेस सर्वर। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, स्टोर प्रोसीजर कैन बी यूज एज द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मीन क्रिएट वंस, स्टोर एंड कॉल ऑफ द सेवरल टाइम व्हेन यू आर रिक्वायर्ड, दिस सपोर्ट्स फास्टर एग्जीक्यूशन इंसर्टेड ऑफ द एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल क्वेरीज, दिस रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक एंड प्रोवाइड द बेटर सिक्योरिटी टू द यूजर। एक होता है डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज इज दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली इन द डेटाबेस एंड यूटिलाइज मोर मेमोरी इन द डेटाबेस सर्वर। तब व्हाट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग OLTP? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग क्या होता है? देन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग OLTP
पी मैनेज द ट्रांजेक्शन बेस्ड एप्लीकेशंस विच कैन बी यूज फॉर द डेटा एंटिटी डेटा रिट्रीवल एंड डेटा प्रोसेसिंग OLTP ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग मेक्स द डेटा मैनेजमेंट सिंपली एंड एफिशिएंट अनलाइक OLAP सिस्टम गोल्स ऑफ OLTP सिस्टम इज सर्विंग रियल टाइम ट्रांजेक्शन लाइक बैंक ट्रांजेक्शन इज ओनली ऑन ए डेली बेसिस। तो व्हाट इज क्लाउज, क्लाउज क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, क्लाउज इन SQL इज ए बिल्ट इन फंक्शन दैट हेल्प टू फेच द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड फ्रॉम ए डेटाबेस टेबल। ए क्लाउज रिसीव्स ए कंडीशनल एक्सप्रेशन कॉलम नेम और सम टर्म्स इन्वॉल्विंग द कॉलम। द क्लाउज कैलकुलेट द रिजल्ट बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट इन द एक्सप्रेशंस। व्हाट आर द टाइप ऑफ क्लाउज इन SQL, कौन कौन से क्लाउज होते हैं। पहला होता है कंस्टेंट क्लाउज, फॉर अपडेट क्लाउज, फ्रॉम क्लाउज, ग्रुप बाय क्लाउज, हैविंग क्लाउज, ऑर्डर्ड बाय और यूजिंग क्लाउज। ये सारे सारे क्या होते हैं, क्लाउज होते हैं किसी भी SQL के अंदर। ए कीवर्ड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल SQL स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट फ्रॉम आर कीवर्ड। ए क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ द SQL स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एम्प्लॉय ID लास्ट नेम और दिज और आर क्लाउज। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाउज इन SQL, क्या रोल होता है। ए रूल कैन बी एनी एक्सप्रेशन वैलिड इन ए वेयर क्लाउज एंड कैन इंक्लूड द एलिमेंट सच एज द अर्थमेटिक ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशन एंड प्रिडिक्ट। एग्जांपल इन लाइक बिटवीन, ए रूल कैन नॉट रेफरेंस कॉलम और अदर डेटा बेस ऑब्जेक्ट बिल्ट इन फंक्शन दैट डू नॉट रेफरेंस डेटा बेस ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्लूडेड। 7 टाइप ऑफ क्लाउज जो मैंने बताया, कौन कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, नाउन क्लाउज, रिलेटिव क्लाउज, कंडीशनल क्लाउज और एडवर्बियल क्लाउज। ये होते हैं जो नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द क्लाउज। SQL क्लाउज इज डिफाइंड टू लिमिट द रिजल्ट सेट बाय द प्रोवाइडिंग द कंडीशन टू द क्यूरी। दे यूजुअली फिल्टर सम रो फ्रॉम द होल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। द क्यूरी दैट हैज द वेयर कंडीशन, एक होता है क्यूरी दैट हैज हैविंग कंडीशंस। व्हाट इज रिकर्सिव स्टोर्ड प्रोसीजर, रिकर्सिव स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है। ए स्टोर्ड प्रोसीजर विच कॉल्स बाय इटसेल्फ अंटिल इट रीच सम बाउंड्री कंडीशन। दिस रिकर्सिव फंक्शन और प्रोसीजर हेल्प्स प्रोग्राम टू यूज द सेम सेट ऑफ कोड एनी नंबर ऑफ आइटम्स। एक होता है व्हाट इज यूनियन मीन्स एंड इंटैक्ट कमांड्स। यूनियन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ द टू टेबल्स एंड इट एलिमिनेट द डुप्लीकेट रो फ्रॉम द टेबल। ए मीन ऑपरेटर इज यूज्ड टू रिटर्न रो फ्रॉम द फर्स्ट क्यूरी बट नॉट फ्रॉम द सेकेंड क्यूरी। मैचिंग रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड क्यूरी एंड अदर रो फ्रॉम द फर्स्ट क्यूरी विल बी डिस्प्लेड एज ए रिजल्ट सेट। एक होता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट ऑपरेटर इज यूज टू रिटर्न रो रिटर्न बाय बोथ द क्यूरी। होता है व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन ट्रंकेट एंड ड्रॉप स्टेटमेंट। ट्रंकेट, ट्रंकेट रिमूव ऑल द रो फ्रॉम द टेबल एंड इट कैन नॉट बी रोल्ड बैक। ड्रॉप कमांड रिमूव ए टेबल फ्रॉम द डेटाबेस एंड ऑपरेशन कैन नॉट बी रोल्ड बैक। एक होता है व्हाट आर द एग्रीगेट एंड स्केलर फंक्शंस। द एग्रीगेट फंक्शन आर यूज्ड टू इवेल्युएट मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू। दिस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द कॉलम इन ए टेबल। स्केलर फंक्शन रिटर्न्स ए सिंगल वैल्यू बेस्ड ऑन द इनपुट वैल्यू। एग्जांपल क्या होता है, एग्रीगेट मैक्स फंक्शन काउंट कैलकुलेटेड विद द रेस्पेक्ट टू द न्यूमेरिक। एक होता है स्केलर फंक्शन।
स्केलर में यू केस नाउ कैलकुलेटेड विद द रेस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग। हाउ कैन यू क्रिएट एन एम्प्टी टेबल फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल। सेलेक्ट एस्ट्रिक इन टू सब स्टूडेंट कॉपी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर वन इक्वल टू टू। हाउ टू फेच कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम टू टेबल। कॉमन रिकॉर्ड रिजल्ट सेट कैन बी अचीव्ड बाई सेलेक्ट स्टूडेंट आई डी फ्रॉम स्टूडेंट इंटरसेक्ट सेलेक्ट स्टूडेंट आई डी फ्रॉम एग्जाम। एक होता हाउ टू फेच अल्टरनेट रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। टू डिस्प्ले इवन नंबर सेलेक्ट स्टूडेंट आई डी फ्रॉम सेलेक्ट रो नंबर स्टूडेंट आई डी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मोड रो नंबर 2 to 02 डिस्प्ले ऑड नंबर। सेलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम सेलेक्ट रो नंबर स्टूडेंट आई डी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मोड रो नंबर। हु प्रपोज्ड द रिलेशनल मॉड्यूल। एगर एफ कोड प्रपोज्ड बाय द रिलेशनल मॉड्यूल इन 1970s। 48 नंबर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डेटाबेस लैंग्वेज। कौन कौन से फीचर्स होते हैं डेटाबेस लैंग्वेज के अंदर। डेटाबेस लैंग्वेज मे आल्सो इनकॉर्पोरेट द फीचर्स लाइक पहला कौन सा DBMS स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टोरेज इंजन कंप्यूटेशंस टू मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूरी रिजल्ट बाय द कंप्यूटेशंस लाइक सम स्विमिंग काउंटिंग एवरेजिंग ग्रुपिंग शॉर्टिंग क्रॉस रेफरेंसिंग कांस्टेंट एनफोर्समेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस दीज ऑल आर फीचर्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू डेटाबेस लैंग्वेज डू। क्या करता है ए स्पेशल पर्पज लैंग्वेज। दे हैव डेटा डिफाइंड लैंग्वेज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्यूरी लैंग्वेज। डिफाइंड डेटाबेस मॉड्यूल्स कौन कौन से होता है। ए डेटा मॉड्यूल डिटरमाइन फंक्शनलिटी हाउ डेटा कैन बी स्टोर्ड मैनिपुलेट एंड ऑर्गेनाइज एंड द स्ट्रक्चर of the database logically is called database modules। ये था आपका